अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो जी तो डियर व्यूअर्स, आज हम लाहौर फूड डायरीज की एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की जो वीडियो है वो भी फूड से रिलेटेड है, यानी कौन सा ऐसा फूड है जिसके बाद ये चीज नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाय। वैसे तो लाहौर में बहुत से चाय और कॉफी पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से जो सबसे मशहूर और सबसे पुराना है उसका नाम है पार्क टी हाउस। इनके अलावा जो सबसे ज्यादा मशहूर है उनमें आता है चाय शाय, कप शप, चाय चुबारा, चाय स्टूडियो, बटलर्स, चॉकलेट कैफे, कॉफी टी एंड कंपनी, चाय एवेन्यू, द शले बाय कासा बियांका, ग्लोरिया जीन्स कॉफी, सड़क पे कड़क। ये वो चाय और कॉफी शॉप्स हैं जो बहुत ही मशहूर हैं और ब्रांड्स समझे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने आज के चाय और कॉफी पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है MBA चाय वाला। तो आज का जो हमारा चाय पॉइंट है वो लाहौर की बर्केट मार्केट में वाकिया है। लाहौर में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो खाने पीने के शौकीन हो और उनको बर्केट मार्केट का पता ना हो। जैसे ही आप कलमा चौक क्रॉस करके बर्केट मार्केट में एंटर होते हैं, यहाँ पे आपको एक यू सा नजर आता है। इस यू के अगले कट पर MBA चाय वाला है। चले आए, अब हम चलते हैं MBA चाय वाले की तरफ और बर्केट मार्केट में जो बेतहाशा फूड पॉइंट है उनकी भी हम सैर करेंगे। चले आए, चलते हैं। बर्केट मार्केट है उसके अंदर बेतहाशा रश है और हर कोई कस्टमर जो है वो अपने अपने ऑर्डर में बिजी है। तो चले आए, हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। आ जाएं, आ जाएं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी जो मंजिल है एक बोर्ड पे लिखी हुई है, यानी हम पहुंच गए हैं MBA चाय वाले के पास। वाओ, ये लाइट्स कितनी प्यारी हैं। जी तो नाजरीन, आपको एक और बात बताती चलूं, कौन सी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने MBA चाय वाला है। अगर आपको लोकेशन नहीं पता लग रही है तो आप कौन सी बिल्डिंग देख सकते हैं, तो आपको उसके साथ ही MBA चाय वाला एक बोर्ड नजर आएगा, तो आप जाके वहाँ चाय पी सकते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं MBA चाय वाले की शॉप पर और आप देख सकते हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और चुस्कियाँ ले ले के चाय पी जा रही है। तो नाजरीन, हमने अभी ऑनर से बात की है तो हमें पता लगा कि आज MBA चाय वाली शॉप की सेकेंड एनिवर्सरी है। बड़ा मज़ा आएगा, केक भी कट होएगा, हम इंटरव्यूज भी लेंगे और होएंगी मज़े मज़े की बातें। तो चले आए, शुरू करते हैं। लेकिन केक कटिंग होने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कुछ कोटेशंस अबाउट चाय। पहली कोटेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो है, समटाइम ऑल यू नीड इज अ गुड कप ऑफ टी। द सेकंड कोटेशन व्हिच आई लाइक द मोस्ट इज दैट द एडवेंचर बिगिंस विद अ कप ऑफ टी। कहते हैं चाय एक नशा है, बहुत से लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे नॉर्मल लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं और मैं चाय से चलता हूँ। अक्सर दोस्त इकट्ठे हो तो ये हाल होता है, सभी सवालों का एक जवाब लाया, अहले गम बैठो चाय लाया। कुछ लोग तो इसकी मोहब्बत में ऐसे पागल होते हैं कि कहते हैं अल्लाह हमें ऐसी बीमारी से बचाए जिसमें तबीब चाय से पहले। और कभी कभी तो दीवाने ये भी कहते हैं, एक लम्हे में सारी जिंदगी जी आया हूँ, आज उसके हाथ की चाय पी आया हूँ। और अक्सर बैचलर तो ये कहते हैं एक चाय का ही सहारा है, वरना इस दुनिया में कौन हमारा है। आखिरी बात कहती चलूं, लाइफ ने दिए हैं इतने धोखे, चलो चाय पियो, इट्स ओके। वीडियो वो आखिरी वीडियो।
क्या दें जी? कुछ तो देंगे, पर वो चार पैसे नहीं, चार पैसे दे देंगे सर। आपके पैसे दे देते हैं चाय के। ओके हो गया, बात कर लेंगे। कहते हैं जिनको चाय से लगाव होता है उनके सीने में जरूर कोई घाव होता है। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग एमबीए चाय वाले की शॉप पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कस्टमर मिले हैं जिनने चाय पीली हुई है। आए हम इनसे बात कर कर इनसे पूछते हैं क्या ऐसा ही है इनके सीने में जो घाव है। तो चले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजान बिलाल। कहाँ से हैं? मैं अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ऐसा ही है आपके सीने में जो घाव है? घाव तो होता ही है, सबके सीने में होता है। बड़े लोगों के, बड़े जो हो जाते हैं उनके सीने में घाव होता है सबके। जी तो व्यूअर्स, ये बात सच साबित हो गई कि जो चाय पीते हैं उनके सीने में जरूर कोई घाव होता है, जैसे कि इनके सीने में भी होगा। आप हमें ये बताएं कि कितने चाय का कप पी जाते हैं एक दिन में? चार से पाँच पी जाते हैं। चार से पाँच, यानी वो जो घाव है उसकी याद आपको सताती रहती है देर बार। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने हाथों से जब चाय बना दी उसने, दिल में कुछ और मोहब्बत बढ़ा दी उसने। जी तो नाज़रीन, एमबीए चाय वाले के कुछ और कस्टमर्स बैठे हुए हैं। आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि इनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम उमेर खान है। कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस काफ़ी दफ़ा हुआ है कि हमें उनके हाथ की चाय काफ़ी दफ़ा पीने को मिली है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, इस वक्त एक मलक अंकल मौजूद हैं। आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे एक फनी सा क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमल खान। कहाँ से हैं आप? क्वेटा से। अच्छा, आप हमें एक बात बताएं कि जब हम लोग चाय पी रहे होते हैं, हमारे अंदर से जब हम पी रहे होते हैं तो वो जो स्लोली स्लोली जब पीते हैं तो होंठों से जो आवाज़ें आती हैं उनको उर्दू में क्या कहते हैं? चस्कियां शायद कहते हैं। पंजाबी में क्या कहते हैं? अभी मुझे पंजाबी कहाँ से आती है, उर्दू ही आती है हमें। पंजाबी में नहीं तो आप अपनी जुबान में बता दें। अपने खुनपाखलू। जी तो नाज़रीन, हमें पता लगा है कि यहाँ पे एक भाई हैं जो बहुत ज्यादा चाय पी जाते हैं एक दिन में। आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि चाय के क्या क्या फायदे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि चाय के क्या क्या फायदे होते हैं? चाय के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब थकावट दूर कर देती है। हमारे एरिया में मतलब लोग जब खेतों में काम करते हैं तो थकावट दूर करने के लिए भी चाय पीते हैं। यहाँ पे मतलब हम स्टडी से थक जाते हैं तो फिर भी मतलब चाय पीते हैं। इसमें निकोटीन ज़्यादा होती है जो मतलब दिमाग में एक पता नहीं कोई हार्मोन्स टाइप के होते हैं, वो उससे रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए मतलब चाय की ज़रूरत होती है, जब हम चाय पीते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि एक दिन में आप कितनी चाय के कप पी जाते हैं? मैं तकरीबन 7, 6, 8 तक तकरीबन मतलब जितनी मिलती जाए उतना पीता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू। एमबीए चाय वाले का आज सेकंड एनिवर्सरी है शॉप की और केक कटिंग सर्विंग चल रही है। चलिए जी, अब कट कर लें। Happy birthday to you.
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ये हमें नाच सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? साहिल। कहाँ से? लाहौर से, शाहदरा। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप हमें नाच सुनाएंगे। जी, कौन सी? किस्मत में मेरी चैन। जी ज़रूर, आका का कलाम है तो मैं आपको सुनाऊँगा। सुनाएं। कोशिश करेंगे आपके लिए। आप मेरी बेटी की तरह हैं माशाल्लाह। मेरी बेटी का नाम साइमा बतूल है और उसी की तरह लग रही हैं आप मुझे माशाल्लाह। तो मैं सरकार का कलाम आपको सुना। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है? मेरा नाम राजरेली। कहाँ से हैं? जी लाहौर से हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप हमें नाच सुनाएं। जी मैं आपको ये नात तो सुना दूंगा। आपको ये नात पसंद है? जी। प्यारे नबी को अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। प्यारे नबी का कलाम है, बहुत खुशी से सुनाएंगे। कोशिश करते हैं कि भरपूर अच्छी हो जाए। थैंक यू। पीछे रखे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम शाह करम, ताजदारे हरम ओ निगाहें करम, ओ करम ताजदारे हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हामी बेकसा। झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, ये कह के उसने मेरी चाय पी ली। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है। आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, क्या आपके साथ कभी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने ये कह के आपकी चाय पी ली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आकिब। कहाँ से आप? मैं इधर लाहौर से ही हूँ। अच्छा, आप यहाँ रोजाना आते हैं या आज पहली बार विजिट की है? और कहाँ से आते हैं? हम इधर लाहौर के हैं, तो हम इधर इकबाल टाउन या समनाबाद के पास से आते हैं और हम इधर तकरीबन डेली ही आते हैं। अच्छा, अब आप हमें हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब दें, क्या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, काफ़ी बार एक्सपीरियंस हुआ है। ये जो मेरे दो दोस्त बैठे हैं ना, ये जैसे कि ये मेरा कज़न है और ये भी मेरा कज़न है, पर ये देसी कज़न है मेरा। देसी कज़न ऐसे है कि लाइक वो आपने सुना होगा 2012-13 में फेसबुक पे कहते हैं ना, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, ये सीन होता है ना। तो ये मदर्स भी एक है, ब्रदर्स भी एक है, ये दो होते हैं। ठीक है। अच्छा, वक्त कलील बातें तवील शिकवे हजार, पर जाने दीजिए चाय पीजिए। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MBA चाय वाले अंकल के साथ, जो है MBA चाय वाले के ऑनर। आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। कहाँ से हैं? मैं चनौर से। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि MBA चाय वाला, आपके MBA चाय वाला जो आपने नाम रखा उसकी क्या लॉजिक है, क्यों आपने ये नाम रखा? मैंने MBA किया हुआ है इसलिए। वैसे तो मुझे भी पता है कि MBA डिग्री है, तो आपने इसकी क्या लॉजिक? मैं चाय बेचता हूँ और मैंने MBA किया हुआ है, तो एक MBA जिसने किया हुआ वो चाय बेच रहा है, इसलिए उसने उस ब्रांड का नाम रख दिया MBA चाय वाला। थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल आपसे हम करना चाह रहे हैं। आप एक दिन में हजारों लोगों को चाय पिलाते हैं, आप इसमें जो दूध डालते हैं वो आप
डब्बों का यूज करते हैं या गाय का यूज करते हैं? डब्बों का दूध हम बिल्कुल यूज नहीं करते, हम खालिस भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं। और ना सिर्फ ये कि हम भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक सरप्राइजिंग बात यह है कि हम जो इसमें दूध यूज़ करते हैं वो यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर से डेली यहाँ पे आता है, जो कि मेरा गांव है जूदी सुल्तान चिनियोट में, वहाँ से डेली हम दूध मंगवाते हैं और फिर यहाँ पे लाहौर के लोगों को वो वाली चाय पिलाते हैं जो हम वहाँ पे गांव में पीते हैं। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जो ये अपने बता रहे हैं कि जैसे कि नाज़रीन ने आपने देखा कि इनके जो गाँव है वहाँ पे जो दूध होता है वो यहाँ पर मंगवाते हैं। 300 किलोमीटर से गाड़ी आती है दूध लेके और सुबह सुबह इनको देती है। गांव से लाया गया खालिस दूध यूज़ करते हैं, तभी तो इनकी चाय में कोई जादू है जो इतनी चलती है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच, वेलकम। आधी रात और गहरे साए, खाली कुर्सी, मैं और चाय। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग और आज कुछ ज़्यादा ही शेर व शायरी हो गई पर मज़ा बहुत आया। लेकिन नाज़रीन आखिर में भी तो एक मज़े का शेर होना चाहिए ना, तो आज मैं आपको आखिर में एक मज़े का शेर सुनाने जा रही हूँ और MBA चाय वाले का जो मेन्यू है वो आपको फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है? जी तो नाज़रीन, जो हमारा आखिरी शेर है एंडिंग के लिए वो है, सुनो मान लो मेरी राय, सुनो मान लो मेरी राय, मोहब्बत से बेहतर है चाय। जी तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग और अगर आपको MBA चाय वाले का व्लॉग अच्छा लगा तो आप यहाँ पर आएं और MBA चाय वाले को विजिट करें। माशाल्लाह इनकी चाय बहुत ही मज़े की है और मिलते हैं अपनी